कोरोना कोरोना और सिर्फ कोरोना, और कोरोना के बीच अगर ऐसी खबर आए तो वो बहुत दुखद है, जो मेहनत करने के बाद उनको उनका मेहनताना कम दिया जाए और अपने हक हकूक के लिए उनको हड़ताल का सहारा लेना पड़े, तो ये दुख की बात है। मामला अब समझिएगा, संविदा पर बहाल डाटा एंट्री ऑपरेटर और कर्मियों ने हड़ताल क्यों किया? तो साहब आरोप ये है कि 12,000 सैलरी बताकर उन्हें मात्र 6,000 से 7,000 ही सैलरी दी जा रही है, जिसके कारण उनकी माली हालत खराब हो चुकी है। और दूसरी जो इनकी मांग है वो ये है कि इनकी 60 साल तक नौकरी पक्की की जाए, सभी डाटा ऑपरेटर को 50 लाख का बीमा दिया जाए और सभी को भोजन का प्रबंध भी किया जाए। और उनकी ये भी मांग है कि पावापुरी कॉलेज में बिचौलियों को हटाया जाए, जिस प्रकार से यहाँ बिचौलिया हावी हो गए हैं उससे हम लोगों को काम करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। डाटा ऑपरेटरों ने कहा कि विम्स कॉलेज में बड़े अधिकारियों की मनमानी चल रही और छोटे छोटे कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज हम लोग जो हम लोग की मांग है, सबसे पहले कि 3-4 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं और सारे अनुभवी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सभी चीज़ से अनुभव प्राप्त हमारे कर्मचारी हैं, इसलिए अस्थायी तौर पर अविलंब तौर पर इन्हें अविलंब नियुक्ति की जाए। ये पहला मांग हम लोग को है कि अस्थायीकरण इसको किया जाए। और दूसरा मांग हम लोग का है कि ऐसे आइसोलेशन वार्ड में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया जाए, हम लोग का 50 लाख का बीमा किया जाए, तत्काल प्रभाव से जो बिहार सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है न्यूनतम मजदूरी तत्काल प्रभाव से जब तक अस्थायीकरण नहीं होता है 21,000 रुपया का मानदेय हम लोग को भुगतान किया जाए। लोग सभी मांगों को लेकर, हम छोटे छोटी मांगों को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हुए। मैं भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर मतलब आउटसोर्सिंग ही हूँ और हम लोग को तो मतलब हमेशा टॉर्चर किया जाता है कि आप लोग काम ठीक से नहीं करते हैं, हम आप लोग को निकाल दिया जाएगा और बहुत सारे तरह की बात, एक दिन नहीं छुट्टी लेने पर भी अब्सेंट किया जाता है। और हम लोग का मांग है सर कि हम लोग को अस्थायी कर दिया जाए 60 साल के लिए, और जो हम लोग का उचित मानदेय है वो दिया जाए, बाकी सारी सुविधा जो सब कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट स्टाफ को मिलता है, महंगाई भत्ता, वो सब हम लोग को मिलना चाहिए सर। और इसे इतना 6,000 सैलरी से हम लोग सर अपना पेट नहीं पाल पाते हैं और हम लोग अपना जिंदगी भी इसमें लाइफ बर्बाद कर दिए हैं सर, आधा जिंदगी हम लोग का इसमें बर्बाद हो गया है। रूप से कितना दिन से बोला जा रहा है, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया जाता है, हम लोग को जैसे नेचुरल लीव ही नहीं मिलता है सर। और हम लोग सप्ताह में 4 ऑफ लेते हैं और उसमें भी अगर एक्स्ट्रा छुट्टी लेते हैं तो उसके लिए संडे हमको लोग को ड्यूटी करवाया जाता है, परमानेंट स्टाफ है वो सब मॉर्निंग में ड्यूटी करता है, हम लोग नाइट इवनिंग सब ड्यूटी करते हैं सर। कोरोना में हम ही लोग सब ड्यूटी किए हैं मगर हम लोग को कोई कुछ नहीं है। 50 लाख का बीमा है वो सब के लिए भी कुछ ऐसा नहीं आया है कि 50 लाख हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी कोई निश्चित नहीं है सर। जिसका हम लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। अब देखना ये कि कोरोना काल में जहां अस्पताल आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में कर्मचारियों की बात कब तक सुनी जाती है और इनकी हड़ताल कब तक खत्म करवाई जाती है। जी हिंदुस्तान डिजिटल डेस्क।